सोनभद्र के लोगों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। गरीब विरोधी योगी सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय। गरीब विरोधी यूपी सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। प्रियंका गांधी को हिरासत में क्यों लिया, मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सोनभद्र के लोगों को न्याय दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना। ये कोई अकेली कहानी नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हर हफ्ते और हर दिन किसी न किसी को मारा जाता है, चाहे वो अल्पसंख्यक का हो, दलितों हो, गरीब हो, शूद्राई हो, बैकवर्ड हो, उनका कत्ल किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की कोई नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। गुंडागर्दी बहुत फैल गई है और माननीय मुख्यमंत्री को अभी तक समझ नहीं आ रही है कि क्या करना। और अभी जो सोनभद्र की और घटना हुई और 10 लोग बड़ी बेदर्दी से मारे गए, और जब विपक्ष के लोग वहाँ जाना चाहते हैं, AICC की जनरल सेक्रेटरी सोनिया गांधी प्रियंका गांधी जब वहाँ पहुँच गई, वहाँ जाना चाहती थी, पीड़ित परिवार से मिलना चाहती थी, उनकी बात सुनना चाहती थी, उनके दुख और दर्द में प्रियंका गांधी शामिल होना चाहती, तो बजाय उनकी मदद करने की, उनको वहाँ पहुँचाने की, उनको रास्ते में गिरफ्तार किया और एक मिनट या एक घंटे के लिए गिरफ्तार किया, 24 घंटे के लिए उनको बंद रख दिया, 24-26 घंटे बंद रखा। ये डेमोक्रेसी है कि क्या, कि जहां लोग मरे और वहां विपक्ष के नेता जब जाना चाहे तो बजाय उनको मिलने की सहायता करनी और मिलने मिलाने की मदद करनी चाहिए, और उनको आप जेल में उनको बंद रखते हैं, उनको 24 घंटे और वहाँ बिजली भी नहीं है। ये इस तरह का तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। हम कंडम करते हैं, पहले तो उस जहाँ जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और फिर इसको स्ट्रांगली कंडम करते हैं कि प्रियंका गांधी जो ICC की जनरल सेक्रेटरी है, पार्टी की बहुत प्रभारी है, प्रभारी भी हैं यूपी की, अगर एक नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो उस राज्य का पार्टी का प्रभारी है, उसको वहाँ गरीब लोगों से, पीड़ित लोगों से मिलने से रोका जाए और उसे 24 घंटे 26 घंटे बंद रखा जाए जहाँ बिजली भी न हो, ये तो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि इस तरह की चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोनभद्र के लोगों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। गरीब विरोधी योगी सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय। गरीब विरोधी यूपी सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। प्रियंका गांधी को हिरासत में क्यों लिया, मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सोनभद्र के लोगों को न्याय दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना। ये कोई अकेली कहानी नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हर हफ्ते और हर दिन किसी न किसी को मारा जाता है, चाहे वो अल्पसंख्यक का हो, दलित का हो, गरीब हो, शूद्राई हो, बैकवर्ड हो, उनका कत्ल किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की कोई नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। गुंडागर्दी बहुत फैल गई है और माननीय मुख्यमंत्री को अभी तक समझ नहीं आ रही है कि क्या करना। और अभी जो सोनभद्र की घटना हुई और 10 लोग बड़ी बेदर्दी से मारे गए, और जब विपक्ष के लोग वहाँ जाना चाहते हैं, AICC की जनरल सेक्रेटरी श्रीमती सोनिया गांधी प्रियंका गांधी जब वहाँ पहुँच गई, वहाँ जाना चाहती थी, पीड़ित परिवार से मिलना चाहती थी, उनकी बात सुनना चाहती थी, उनके दुख और दर्द में प्रियंका गांधी शामिल होना चाहती थी, तो बजाय उनकी मदद करने के, उनको वहाँ पहुँचाने के, उनको रास्ते में गिरफ्तार किया और एक मिनट या एक घंटे के लिए गिरफ्तार किया, 24 घंटे के लिए उनको बंद रख दिया, 24-26 घंटे बंद रखा। ये डेमोक्रेसी है कि क्या, कि जहां लोग मरे और वहां विपक्ष के नेता जब जाना चाहे तो बजाय उनको मिलने की सहायता करनी और मिलने मिलाने की मदद करनी चाहिए, और उनको आप जेल में उनको बंद रखते हैं,
उनको 24 घंटे और वहाँ बिजली भी नहीं थी। ये इस तरह का तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। हम कंडम करते हैं पहले तो उस जहाँ जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और फिर इसको स्ट्रांगली कंडम करते हैं कि प्रियंका गांधी जो है ICC की जान सकती है, पार्टी के तौर पर प्रभारी है, प्रभारी भी हैं यूपी की। अगर एक नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो उस राज्य का पार्टी का प्रभारी है उसको वहाँ गरीब लोगों से पीड़ित लोगों से मिलने से रोका जाए और उसे 24 घंटे 26 घंटे बंद रखा जाए जहाँ बिजली भी न हो, ये तो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि इस तरह की चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा लोकतंत्र।